हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज बात करने वाले हैं भारत के नंबर दो पीयूसी बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर टू के नंबर आए थे, नंबर अपने आप में ठीक ठाक दिखाई दिए थे, इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई दिया था नंबर में, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो आज एक विस्फोटक खबर निकल करके आ रही है। आज मतलब की बात कर रहा हूँ 3 नवंबर 2020 को। तो अभी समय हो रहा है दोस्तों 4:30 बजे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरा ख्याल से 6 बजे के आसपास आ जाना चाहिए मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे बढ़िया धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आ रही है। मैनेजमेंट का बढ़िया प्लान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसी के चलते पंजाब नेशनल बैंक में बढ़िया तेजी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ से भी मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पे बात करेंगे सब, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, न्यूज़ को भी पढ़ेंगे क्या न्यूज़ है, उसके बाद चार्ट पे जाके क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए। मेरे चैनल में नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बंधन बैंक का भी वीडियो इस आज में डालने वाला हूँ दोस्तों, और उसके बाद येस बैंक और आइडिया वोडाफोन का वीडियो इंट्राडे के लिए तो डालता ही हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। क्लोजिंग 27.80 रुपये के आसपास हुई है, 15 पैसे डाउन था, 0.54% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। परंतु दोस्तों यहाँ पे देखें, अब मैं बात करूँ 2:30 बजे से, तो यहाँ पे बढ़िया उछाल आता हुआ दिखाई दिया था, और उछाल के पीछे यही न्यूज़ काम कर रही थी। तो सीधा चलेंगे पहले एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो बताना चाहूँगा, उसके बाद वो न्यूज़ को एनालिस्ट करेंगे। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक मैंने सर्च करके रखा है, जैसे मैंने बताया 27.80 रुपये क्लोजिंग, 15 पैसे डाउन, 0.54% की गिरावट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 27.95 रुपये ओपन होता है, 28.05 रुपये, मतलब कि तेज ओपनिंग। यहाँ पे हाई भी अच्छा बनाता है, 28.35 रुपये लो हालांकि बनता है 27.30 रुपये के आसपास, और फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग 27.80 रुपये दिखाई दे रही है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में, 6 करोड़ 27 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1 करोड़ 2 लाख शेयर की डिलीवरी, डिलीवरेबल परसेंट देखें दोस्तों 16.30 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 16.5% की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वैसे देखें तो डिलीवरी परसेंटेज मुझे कम लग रहे हैं, 25% की डिलीवरी को मैं अच्छा मानता हूँ, परंतु यहाँ पे 1 करोड़ शेयर की डिलीवरी वो अपने अपने थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अभी चलेंगे सीधा न्यूज़ पे और न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं द इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है, 3:20 के आसपास ये न्यूज़ निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में जैसे मैंने चार्ट पे भी बताया कि बढ़िया रिकवरी होती हुई दिखाई दी थी। तो न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ेंगे। पंजाब नेशनल बैंक टू राइज 7,000 करोड़ फ्रॉम QIP इन दिसंबर। तो QIP लेके आएंगे दोस्तों, 7,000 करोड़ रुपया राइज करने का प्लान यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ का जो उसने अनुमान दिया है वो अभी लेस देन 5% बोला है। तो हम पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ऑन टूडे सेड प्लानिंग टू राइज 7,000 करोड़ थ्रू द शेयर सेल नेक्स्ट मंथ टू शॉप अप इस कैपिटल बेस, जो कैपिटल बेस है उसको यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये राइज करेंगे, जो कि अभी बिजनेस प्लान है उसको अचीव करने के लिए, ऐसा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक बता रही है। द कंट्री लास्ट सेकंड लार्जेस्ट ऑन लेंडर एक्सपेक्ट क्रेडिट ग्रोथ टू पिक अप स्लाइडली इन द सेकंड हाफ बट इट वुड बी लेस देन 5%। तो बोल रहे कि सेकंड हाफ में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लाइडली बढ़ सकता है, परंतु ये ग्रोथ है वो अभी भी 5% से नीचे रह सकता है इंटायर फिस्कल में, ऐसा यहाँ पे उन्होंने उसके मैनेजमेंट ने बताया है। तो मीडिया में एक परिषद में उन्होंने बताया कि बोर्ड ने यहाँ पे 14,000 करोड़ की जो कैपिटल राइजिंग की यहाँ पे मंजूरी ऑलरेडी ले ली है, और उसके अलावा और 7,000 करोड़ वो एडिशनल राइज करेंगे। तो दोस्तों आगे जैसे प्लान होगी उसके हिसाब से वो यहाँ पे दिसंबर महीने में 7,000 करोड़ रुपये QIP के माध्यम से राइज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। विद द फंड मोबिलाइजेशन इस फंड के द्वारा कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो विच वॉज एट 12.8% एट दिस एंड ऑफ द सेप्टेम्बर वुड गो अप टू 13.5 to 14%। तो दोस्तों कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है जो कि बैंक को यहाँ पे मैनेज करना होता है, अगर ये फंड राइजिंग हो जाती है जो कि अभी 12.8% निकल कर के आ रहा है, वो 13, 13.5 से या फिर 14% के आसपास पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों मुझे लगता है बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ है, बढ़िया बिजनेस ग्रोथ के लिए यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट यहाँ पे। और उसने बताया कि ही ऑल्सो सेड द
बैंक हैज डिसाइड टू इन्फ्यूज 600 करोड़ इन द मोर्टेज आर्म पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे 600 करोड़ का इन्फ्यूजन पंजाब नेशनल बैंक पंजाब हाउसिंग फाइनेंस में भी करेंगे, ये ऐसा भी यहाँ पे बताया है वो। यहाँ पे प्रेफरेंशियल इश्यू और राइट इश्यू के द्वारा यहाँ पे 600 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगी, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। ऑन द रिकवरी फ्रंट रो सेट बैंक एम टू अबाउट 1600 करोड़ फॉर द फिस्कल कीपिंग अमिड द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट। तो दोस्तों पेंडेमिक के चलते जो लोन फंसी पड़ी है उसमें से 16,000 करोड़ रुपये वो राइज करने का एम यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे उसके जो सीईओ है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे न्यूज़ थी जो कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है और जो कि पंजाब नेशनल बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी एक और न्यूज़ है जो कि वैसे एक दिन पुरानी है, मतलब कि जो रिजल्ट आया है उसके एक हाईलाइट प्रेजेंट करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेके जाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे मनी कंट्रोल निकल करके आ गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पीएनबी कंसोलिडेटेड सितंबर 2020 नेट इंटरेस्ट इनकम एट RS 8,558 करोड़, अप 95.96 ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों एनआईआई में 96% की जंप यहाँ पे दिखाई दी थी Q2 के रिजल्ट की बात करें तो। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे निकल करके आई थी 8,558 करोड़ जो कि पहले 4,367 करोड़ थी। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 576 करोड़ आया था जो कि पिछले साल यहाँ पे बात करें सितंबर 2019 की तो 569 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया बढ़ा था दोस्तों, वो भी बताना चाहूँगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 5,838 करोड़ था जो कि पिछले साल 3,654 करोड़ था, जिसमें 60% की जंप दिखाई दी थी। तो दोस्तों बढ़िया नंबर पोस्ट किए थे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने, कल उसका रिजल्ट था जो कि मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे बताने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट के ऊपर कल वीडियो नहीं डाल पाया था। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे। चार्ट पे आगे आने वाले दिनों में क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों बाइंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो सब मैं आपको चार्ट पे जाके बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म में आपको एनालिसिस करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि पंजाब नेशनल बैंक अभी यहाँ पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ काफी दिनों से नजर आ रहा है। कल उसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की थी, नाकामयाब रहा था। आज भी ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल अपने आप में बहुत बढ़िया दिन होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के ऊपर सस्टेन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नीचे स्टॉप लॉस लेना है 26 रुपये का जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बेस है। यहाँ पे देख सकते हो कोरोना के काल में भी, मतलब कि मार्च के आसपास भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक, उसके बाद फिर से गिरावट आई थी। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने 26 का सपोर्ट लेके ऊपर भागने की तो कोशिश करी है। तो मुझे लगता है अगर आप 27 से 28 रुपये के बीच यहाँ पे पोजिशन बनाने की कोशिश करते हो एंड यू आर कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 26, देन योर टारगेट फर्स्ट टारगेट विल बी द 30, 30 रुपये का पहला टारगेट आपको इजिली मिल जाएगा। अगर आप पहले टारगेट के लिए भी वेट करते हो यहाँ पे दोस्तों तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 मिल जाएगा। 30 को क्रॉस करता है तो 31.80 के आसपास जाएगा, उसके ऊपर 34 रुपये, उसके ऊपर 35.80 रुपये और उसके ऊपर 37.45 के लेवल मुझे आगे आने वाले दिखनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस लेवल को वॉचआउट कीजिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे सपोर्ट मुझे लगता है 26 रुपये का टूटना मुझे हाल फिलहाल में तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे एक पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और जो एग्जिस्टिंग सेल होल्डर है यहाँ पे जो माल लेके बैठे हैं वो अभी यहाँ पे पैनिक करके एग्जिट करने की तो बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है और या थोड़ा बहुत मुनाफा आता है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं दोस्तों नहीं बोलूंगा, पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को आप रख सकते हो। RSI का लेवल यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है 45.75 जो कि अभी ओवरसोल्ड की सिचुएशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों एडिशनल हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे जीरोधा में कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।